जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का ये सेट है 22 नंबर लेसन का, उसका थर्ड पार्ट में जो गणित है उसको कराएंगे। तो शुरू है 31 नंबर क्वेश्चन से। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स जो ये एंगल है, इस एंगल का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये पूरा 180 डिग्री का होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 79 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 79 डिग्री इज इक्वल टू, एक है 0, 8 0 और ये 101 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 101 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का जोड़ 11 है और उनका गुणफल 30 हो तो वे संख्याएं क्या है, यानी कि इधर ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4। पहला ऑप्शन में दो संख्या 6 और 5 जोड़ करने से 11 है, ये 8 और 3 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11। पहला कंडीशन तो ठीक है। दूसरा कंडीशन है दोनों का गुणफल 30 है, दोनों का गुणफल 30 के 9 को 2 से गुणा करने से 18 होता है, 4 से 28 है, और 3 8 के 3 से 24 है, और 5 6 गुना करने से 30 है, यानी कि 30 को अगर हम गुना करेंगे 1 6 और 1 संख्या 5 तो यानी दोनों को अगर हम गुना कर दे तो 5 6 30 हो जाता है, ये शर्त पूरा हो जाता है, दोनों का गुणफल 30 होता है। और दूसरा क्या बोला, दोनों का जोड़ क्या है, दोनों का ये दोनों जोड़ते हैं 6 प्लस 5 जोड़ने से क्या होता है 11 होता है। तो 200 का जोड़ 11 है, 200 का गुणफल 30 है, यानी कि शर्त तो ये एक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है दो संख्याओं का लौसा 120 है और मौसा 10 है, तो पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसका एक फॉर्मूला है हमें पता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, इसको याद रखना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है सर लौसा मीन्स होता है LCM 120 और मौसम मीन्स है HCF 10, और बोला गया है पहला संख्या 30, पहला संख्या 30 तो दूसरा संख्या क्या है, तो हमने दूसरा संख्या पता करने की इसके साथ इसको काट देंगे तो 4 होगा, 3 4 12 30 हो जाएगा, यानी कि दूसरा संख्या है 4 × 10 यानी कि 40, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 95 है, पहली संख्या दूसरे संख्या से 15 अधिक है तो छोटी संख्या क्या हो गई, यानी कि माना कि एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो ये दोनों संख्या का योग 95, यानी कि दोनों संख्या का योग 95 और पहली संख्या, दूसरा कंडीशन है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, अधिक या कम अंतर को बताते हैं, तो यानी कि पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 15 अधिक है, यानी कि माइनस है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 और 10 0 आते गए 10 110, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 55। तो x इक्वल टू 55 एक संख्या मिल गया, तो दूसरा संख्या अगर x माइनस y इक्वल टू 15 है तो x एक संख्या 55 है माइनस y इक्वल टू 15 है, तो माइनस y इक्वल टू 15 माइनस 55 यानी कि माइनस 40, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कर दिए तो y इक्वल टू 40, यानी कि एक संख्या 40 है दूसरा संख्या 55 है। हमें पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या 40 है, छोटी संख्या 40 ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में दे रखा है यदि एक हफ्ते में 28 डजन केले का प्रयोग होता है होते हैं तो 47 दिनों में कितने केले, कितने डजन केले चाहिए, कितने डजन केले की लगेंगे, यानी कि एक हफ्ता में 7 दिन, 7 दिन में 28 डजन केले चाहिए, 28 डजन केले चाहिए, 7 दिन में 28 डजन केले चाहिए, तो एक हफ्ता मतलब 7 दिन है, तो एक दिन में कितने कमर केले चाहिए, एक दिन में 28/7 यानी कि 4 डजन केले चाहिए। पूछा गया 47 दिन में कितना चाहिए, हम लिखेंगे 47 डेज में कितना चाहिए, तो 4 × 47 इसको गुणा करेंगे 4 7 8 से 8 8 2
16 अध्याय 188 डजन केला छे, ये 188 डजन केला छे, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले में एक क्वेश्चन दे रखा है, लॉग एक्स इंटू वाई, एक्स वाई का मतलब क्या है? इसका एक फॉर्मूला है, लॉग एक्स इंटू वाई का मतलब होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, यानी कि ऑप्शन बी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो हल कीजिए मतलब एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए तो एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस थ्री, जब कोई संख्या इक्वल टू उस पर, इधर अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, अगर इधर डिवाइडेड है तो इधर गुना हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, मतलब जो भी होगा बॉर्डर क्रॉस करना होगा तो इसका सिंबल उल्टा हो जाएगा, यही नियम है। तो इसका आंसर क्या, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू वन, तो रैखिक समीकरण के इसका मान कितना है, तो हमने लिखेंगे समीकरण को एक्स प्लस थ्री यानी कि इक्वल टू, पूछेंगे तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान अगर वन है तो टू इंटू वन प्लस थ्री, तो यानी कि टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव, फाइव मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ए इज टू बी फोर इज टू फाइव, बी इज टू सी फाइव इज टू एट, यानी कि ए का मान है फोर और बी का मान है फाइव, और बी का मान है फाइव सी का मान है एट, इसका मतलब पूछा गया है ए इज टू सी मतलब क्या है, यानी कि हम पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए इज टू बी फोर इज टू फाइव हम लिखेंगे इधर ए इज फोर इज टू फाइव, और बी इज टू सी फाइव इज टू एट, तो हम इधर भी फाइव इज टू एट लिखेंगे। आगे करना क्या है, आगे अगर इधर पॉइंट देके ये फाइव इधर लगा देंगे, और इधर भी फाइव है कुछ नहीं तो फाइव इधर, जो भी निकटवर्ती संख्या है उसको हम इसमें डाल देंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे, तो चार पचास बीस और इसका अनुपात है पांच पांच पच्चीस, फिर पांच अच्छे 40, ये इसका अनुपात बनेगा। हमें पूछा है ए अनुपात सी क्या है, ए अनुपात सी यानी कि ए का जो मान है 20 है और बी का मान क्या है सी, सी का मान क्या है 40 है, 40 है, तो हम इसको सीधा लिखेंगे ए जीरो इधर काट देंगे, यानी कि टू इज टू फोर, फिर काट जाएगा दो से वन इज टू टू, वन इज टू टू इसका अनुपात हो जाएगा, वन इज टू टू ऑप्शन बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है रूट 64 और रूट 25 का मतलब, रूट 64 का मतलब होता है 8 इंटू 8 और इसका मतलब होता है 5 इंटू 5, वर्गमूल है यानी कि दो संख्या दे रखा था, इसका संख्या 8 होगा माइनस 5 होगा यानी कि 3 आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक वायुयान 1950 पर 19:50 पर इम्फाल से निकलता है, 23:30 पर म्यांमार पहुंचता है, तो सफर में तय करने के लिए उसको कितना समय लगता है, तो हम इसको टाइम को माइनस करेंगे तो उसको टोटल टाइम मिल जाएगा, यानी कि 23:30 पर वो पहुंच जाता है म्यांमार, और सफर जब शुरू हुआ था वो 19:50 में उसको फ्लाइट वायुयान किया है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये 19 क्या करेंगे, घंटा है ये मिनट है, तो घंटे से एक 60 ऐड कर लेंगे, तो यानी कि ये 90 मिनट होगा, तो 90 मिनट के साथ 50 अगर माइनस कर दिया तो हो जाता है 40 मिनट, तो इधर होगा 40 मिनट, तो ये जो एक मिनट लिया है इसको ऐड कर देंगे तो 19 से 20 हो जाएगा, 20 होने के बाद इसको 3 घंटा लगेगा, 20 के साथ 23, 3 घंटा 40 मिनट इसको टाइम लगेगा, ऑप्शन डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिया द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी, यानी कि एक गोल वाला पहिया है जिसका रेडियस है ये 8, त्रिज्या इक्वल टू 8, आर का मान है 42 सेंटीमीटर है, पूछा गया ऐसे 42 सेंटीमीटर, तो हमें इसका जो परिधि है परिसीमा है, इस परिसीमा को अगर हम इसको काट दिया जाए तो लंबा लाइन बने, तो यानी कि इसका दूरी मिलेगा, तो हमें इसका परिसीमा मालूम करना है, परिसीमा इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई मतलब 22/7, आर का मतलब है 42, तो 6 × 7 = 6 से हो जाता है, यानी कि 44 × 42 6 गुणा करने से 4×6 = 24 = 4 और ये हो जाएगा 2 × 4 = 24 = 25 इतना सेंटीमीटर होता है। पूछा गया है 400 चक्कर लगाने में कितना दूरी लगेगा, तो
यानी कि 264 को अगर हम 400 से गुना कर देंगे तो यानी कि चाचे चाचे 16 छे बैलेंस हो गया एक, चाचे 24 है 25 है 5 सत्ते 2 चौदह 8 10 फिर 2 0 0 यानी कि इसको सेंटीमीटर होता है। अगर इसको मीटर करेंगे तो हमें 1056 मीटर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। कहने का मतलब सेंटीमीटर को 100 से भाग कर देंगे तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर को 100 से भाग करने से मीटर हो जाएगा तो इतना मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज टू 100, एक्स माइनस वाई इज टू 36 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर काट गया यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10। एक नंबर सुन का दूसरा दे रखा है एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 मतलब होता है 6 का वर्ग, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर काट दिया तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 अगर हम इसको काट दिया तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 16, तो एक्स इक्वल टू कितना था 8, तो एक्स इक्वल टू हो जाता है 8, तो एक्स का मान 8 हो जाएगा, तो वाई का मान इधर दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स का मान 8, तो y का मान कितना है, तो y का मान 2 है। क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस एक y इक्वल टू 10, x प्लस y इक्वल टू 10 अगर x का मान 10 हो गया, 10 प्लस y इक्वल टू 10 8 हो गया इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू इधर 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 y इक्वल टू, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन है, एक बक्से में 20 केजी गोलियां हैं जिनमें से प्रत्येक का वजन 400 ग्राम है तो कुल गोलियां की संख्या बताइए। 20 किलो केजी मतलब होता है 20 इंटू 100 1000 इक्वल टू 20000, क्या बनाया हमने ग्राम लिखा, 1 केजी मतलब 100 ग्राम, 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम, हमें पता है 1 किलो 1000 ग्राम, तो 20 केजी होने से 20000 ग्राम हो जाए। बताया गया है एक पोते का वजन 100 ग्राम, अतः गोलियों की संख्या जो होगा संख्या होगा 20000 को हम डिवाइडेड करेंगे 40 से, यानी कि 4 1 0 1 0 कर दिया, इसके साथ इसको 5 कर दिया तो 500 500 संख्या कितना 500 500 गोलियां होगा। ये सारे क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।